पर गाजियाबाद शहर जाथाना ट्रॉनिका सिटी इलाके में बदमाशों के साथ बुलेट्स की मुठभेड़ हुई है, जहां इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। वहीं एक बदमाश जब भागने लगा तब पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल, एक तमंचा, जिंदा कारतूस व अन्य सामान बरामद किया गया है। बदमाशों से पूछताछ में पता चला है कि वे सुनसान इलाकों में छुपकर खड़े हो जाया करते थे और उन इलाकों से गुजरने वाले राहगीरों को लूट लिया करते थे। सुनसान इलाकों से गुजर रहे राहगीरों से लूटे गए वाहनों को वह लूट के दौरान इस्तेमाल किया करते थे व अन्य कीमती सामान को बेचकर मौज मस्ती किया करते थे। बताया जा रहा है कि पुलिस रोज की तरह ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी, तभी रॉयल एनफील्ड सवार दो युवक उन्हें आते दिखाई दिए। जब पुलिस के द्वारा जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो वे अपनी मोटरसाइकिल की गति तेज करके भागने लगे। जब पुलिस को जैसे ही मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध दिखे तो पुलिस ने उनका पीछा शुरू कर दिया। तभी मोटरसाइकिल सवार ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला कर दिया। जब अपने आप को बचाते हुए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इस गोलीबारी में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। वह एक को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दबोच लिया। फिलहाल घायल बदमाश का उपचार स्थानीय अस्पताल में चल रहा है, जहां पूछताछ में उन्होंने अपना पूरा गुनाह कबूल किया है। उपचार के बाद घायल बदमाश और उसके साथी को जेल भेजा जाएगा। इक्कीस ग्यारह 2024 को अंकुर विहार थाना पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद द्वारा जब रात्रि में चेकिंग की जा रही थी, इस दौरान एक बाइक पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में पीछे बैठे व्यक्ति के पैर में गोली लगी। पुलिस द्वारा तत्काल वाहन चालक तथा पीछे बैठे व्यक्ति दोनों को दबोच लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम, वाहन चालक ने अपना नाम फैजल तथा पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम अमन बताया। पुलिस द्वारा तत्काल घायल व्यक्ति को अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस द्वारा जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये जो बुलेट जो इनके द्वारा चलाई जा रही थी, दिनांक 10/11/2024 को इसी क्षेत्र में लूटी गई थी। पुलिस द्वारा उनके पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक मृत कारतूस तथा दो जिंदा कारतूस। गाजियाबाद से है जथाना नंद ग्राम क्षेत्र के पास में मेरठ रोड स्थित डीपीएस कट के पास एक ट्रक में आग लग गई, जिसकी सूचना पाते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। ट्रक में आग लग जाने पर ड्राइवर ने खुद कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन अभी तक आग के कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।